जिस तरह से टीआरपी मिली, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, उसके बारे में बताया सर। पब्लिक का प्यार तो एक्चुअली हमेशा मिलता है, बहुत अच्छे हमने जो चीज़ें की भी हैं और बहुत प्यार मिला है, मिलियंस में गाने गए हैं। और अभी जो हमारा जो गाना आ रहा है उसका नाम है बीमर, और इन्होंने गाया है, पाजी बताएंगे भी आगे। पाजी कितना वक्त लगा होगा इसको तैयार करने के लिए? इसमें एक्चुअली वक्त थोड़ा एक्चुअली एक्स्ट्रा लगा है, बिकॉज प्यार भी एक्स्ट्रा लगा है। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग एंड हर सॉन्ग जो हम करते हैं इज अ ट्रेंडिंग सॉन्ग, सो इट्स नॉट द सेम। और especially me being the singer of the song, and of course Dilpaji is rapping, and my journey for that song actually started in the US and is finally here in Bollywood, so definitely thank you for that sir. Ab ye jaisa dekha jaye ek song ko lagbhag 2 se 3 mahine lag jate, kabhi kabhi aisa hota hai ki saal bhar se gana ruka rehta hai aur uske baad bhi kahin na kahin wo pahunchta nahi hai, aise mein kitne log aapke saath rahe, kitna experience isme raha aapka is song ko lekar? Bhi इस सॉन्ग को तो within about 2-3 months I would say, correct? Yes, 2-3 months तो लगेंगे। But as far as जो म्यूजिक में जो है मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। I started the journey in America and luckily 3-4 years back I met with Sandhu and हमारी कॉम्बिनेशन ठीक रही है उस टाइम से अब तक, और numerous projects हमने किए हैं, 4-5 songs, almost six I would say. और हर सॉन्ग में वी हैव गॉटन क्लोजर, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। तो उसमें क्या है कि अब टीम जो बन चुकी है, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ब्रांड, यू नो टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। भाजी आपसे अगर देखा जाए आपने कितने सारे गाने गाए और काफ़ी सब ट्रेंडिंग हुए, टिकटॉक पर भी आने के बाद उस पर काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिलता है, ऐसे में एक 420 जो सॉन्ग था उसके बारे में क्या हिस्ट्री? 420 एक्चुअली बहुत ही हमारे लिए तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, और जो जब हम वो शूट कर रहे थे वो हमने शूट किया पंजाब के एक ब्यूटीफुल जो है पेंड होंदा ना वो थे आप शूट किया, और यू नो मेरे ख्याल ना 45 डिग्री गर्मी सी उस टाइम, एंड 45 डिग्री होने तो बाद भी पीछे कैमरे और लाइटा लगिया सी, और लगा लो वो डबल हो गया, तो मतलब आप शूट कर रहे थे पूरा भिज गया सी पिछों। बट वो फिर हार्डवर्क है, और गाना भी बहुत वधिया गया साडा, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिले, बहुत वधिया टी सीरीज ने भी बहुत सपोर्ट किया, और हुण कर भी रही है टी सीरीज़, तो अभी गाना जो बीमर आ टी सीरीज़ तो आ रहा, फिर उस तो बाद एक और गाना आ रहा जस्ट वो भी हिप हॉप गाना, वो भी बहुत कैंट गाना, तो बैक टू बैक है गया साडे गाना। जी कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर आपको कोई कभी दिक्कत होती हो किसी भी चीज़ से लेकर, कभी सिंगिंग से लेकर, या फिर कभी म्यूजिक में कभी कभार टाइम लग जाता हो, या शूट पर कभी कभार टाइम लगता हो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको रहा हो जो अब तक याद हो आपको? एक्चुअली यू नो honestly thankful to god ke every project we have done haven't had any issue, aur bilkul koi issue nahi hunda, sade bande hege hai sare sade naal rehnde hai, sonu paaji hege hai, diljit paaji hege hai, hamesha sanu support karde hai sare, matlab puri oda sare pyar wale jehde vi wo milde vi hai utthe, you know we be around anybody from the producers jehde apna, even the event coordinators to the musicians to even the watchers jehde dekh rahe hain shoot, all give so much love that you know I cannot explain, you know I mean I've seen ups and downs, lekin every project we did we always gotten so much love. Now Punjab mein ek word bada use hota hai, ek gabru, aur aapka gana bhi aise mein gabru jo kafi trend raha, aise mein jo public hai janta hai wo aapse do line sunna chahte hai gabru ki. Gabru ka jo line thi wo bahut waise hai, vekh ke shaukeen jaha gabru feeling a vigad gayi teriyan, ਐ ਗਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨ ਜੇ ਹੈ ਗੱਭਰੂ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਗਾਣੇ, ਹੈਨਾ? बिल्कुल फन सॉन्ग, यू नो बहुत मजा ही बहुत आया बनाने में। अच्छा पाजी देखा जाए तो आज के टाइम में जो इंसान सिंगिंग के लिए भागता है, जो सिंगिंग के लिए कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या फिर कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है तो कहीं ना कहीं उसको ठगा जाता है। पैसों के नाम पर बताया जाता है कि बॉलीवुड में अगर आना है तो बॉम्बे जाना होगा, और बॉम्बे के नाम से उनको पैसे भी लिए जाते हैं, उनसे ठगा जाता है। ऐसे में क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए आपकी तरफ से? मैसेज ये है मेरी तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के अंदर बिलीव करो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू नो यू आर डूइंग द राइट थिंग, and secondly wo to hota hai, everything will cost, there's always a business. Oh hoya bhi actually, yeah. You know, I've been through it. Haan. But like I said, the team and then when you find the right people you will know, but don't give up, you know, don't give up because ek bande ne aapko thag liya. Yes, don't give up because dusre bande ne aise kar liya. There are hazaron mein se aapko do bhi mil gaye na jo aapke sath acche hain, that's all you need, and I hope you don't have to go through 1000, lekin sometimes you have to also see कि किस राह में जा रहा हूँ मैं, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, यू नो। आई वुड एडवाइस, बेस्ट एडवाइस आई वुड से इज दैट
बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट. अच्छा, जैसे अंडरग्राउंड जितने रैपर्स हैं जो ऑल्सो अभी जो काम कर रहे हैं हिप हॉप में, अंडरग्राउंड जितने भी लेवल पे वो काम कर रहे हैं रैपर्स, गली बॉय एक मूवी थी जिसके बाद रैपर्स की डिमांड्स बढ़ गई. क्या आपकी नजरिए में ऐसे देखा है कि गली बॉय जैसे मूवी आई है उससे पहले क्या रैपर्स की डिमांड थी और अब कितने चेंजेस आए उसके बाद में, क्या आप नजरिए से देखते हैं? देखो, रैपिंग का जो जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, रैपिंग का पार्ट जो है वो जो ट्रेंडिंग लेके आया, मैं तो ये बोलूंगा वो हनी लेके आया एक्चुअली. यू नो, गली बॉय था हुन आई है, पर जो रैपिंग पार्ट जो चीज लेके आया हनी सिंह है ना, वो हुन जो गली बॉय आया वो नवे है ना, सारे बहुत वधिया रास्ते खोल दिया, सारे सारे वधिया बॉलीवुड च. यू नो कि जो गाना आऊगा उस रैप होगा, जो गाना आऊगा रैप होगा, तो वो चीज़ खुल गई है, वो चीज़ वधिया है साडे लिए भी, तो साडे लिए भी वधिया, तो हुन अगे भी होर भी चीज़ा आ रही हैं, तो तुहानू अपडेट देंदे रहांगे, बहुत वधिया वधिया चीज़ा आ रही हैं. गली बॉय व्हाट गली बॉय डिड वाज के इट ओपनड अप द वे, दिखाया कि कोई भी चीज़ पे मेहनत करोगे इट विल डेफिनेटली प्रॉस्पर. But like I said, you cannot give up, you know. Sandhu Paji, जैसा आपने कहा कि हनी पाजी जो रैपिंग का जिसमें ट्रेंड जो चला किसी टाइम पर रैपिंग में हनी पाजी लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर रैप में कोई किंग है तो एमएनएम को माना जाता है, आप क्या मानते हो? देखिए, मैं एमएनएम तो आप सही बोल रहे हैं, एमएनएम तो उत्थे बैठा, आप अपने हिंदुस्तान की गल कर रहे हैं, यू नो कि हिंदुस्तान जो लैके आया, आप बॉलीवुड की गल कर रहे हैं. The Bollywood. And also, yeah, we have to give praise to Bohemia too. Hmm. Bohemia opened up the way too, you know. And these are actual people that have worked hard. Apni graphic Bohemia nu bhi bahut pehla he got a lot of negative feedback, you know, from especially from US and the thing. Like he didn't give up, you know. पाजी, किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन आर्टिस्ट को? इन as far singer के rapper. Singer और rap also. Rap तो अपने दिल पाजी हैं. दिल पाजी का rap तो you know. But honestly. Everybody, you know, जिनको अपने दिल से जो कर रहा है, you know, and of course, जो जो actually कैमरे के सामने हैं, वो तो हैं, you already know from हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया अपना, even रफ्तार, all these guys, you know, Bohemia also, but there are also underground artists too that nobody knows, you know. Okay. Well, sometimes I get a taste of those guys too, like मैं नाम वगैरह तो चलो, you know, लेकिन सुनने आता रहता है कभी-कभी, we hear mixtapes, उसमें आते हैं, you know, नए-नए artists हैं जो, you know. भाजी, आपका क्या कहना है, कौन जिस ऐसा आर्टिस्ट है इंडियन जो आप जिसके म्यूजिक को सुनते हैं, जिसको सिंगिंग को सुनते हैं या रैपिंग को सुनते हैं? मैं सच में बोलूँ तो मैं सबको सुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऑब्जर्व करता हूँ कि केड़ा वधिया भी है केड़ा नहीं भी वधिया और आपा किदा करना है ना, असी केड़ी चीज़ वखरी कर सकते हैं, यू नो वो चीज़ आप करते हैं. पर मैं सुनता सारे गाना, तो देखो हम एवरीबडी सारे जानते हैं, तो जब गाना लॉन्च होता है तो ईवन असी भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, है ना, कि शेयर करो या उदा उन्होंने भी आते हैं, सारे मैसेज आते हैं, बट वो आप सुनते जरूर है कि केड़ा चीज़ बारे. देखो एवरी टाइम है नहीं है कि चंगा ही गाना होना, कभी कभी उदा भी कट देंगे सारे, है ना, तो वो चीज़ उदा असं भी कट दें, नहीं कहते कि आप सारे गाने परफेक्ट है, तो आप भी नहीं कहते, बट आ जो गाना आ रहा बीमर है फिर नैक्सट लैवल नैक्सट लैवल गाना है. म्यूजिक भी जिन्हें दिता वो बहुत कैंट म्यूजिक डायरेक्टर आ जस्सी कटियाल, गिपी गरेवाल भाई देता सारे, कैरी ऑन जट्टा टू, कैरी ऑन जट्टा, बहुत सारी जी फिल्म आई हैं, दलजीत भाई ने भी उन्हें काम किया, वधिया मतलब सारे सारी टीम ही बहुत वधिया अपनी. अगर बॉलीवुड में मौका मिलता है तो आप किस एक्टर्स के लिए अपना गाना देना चाहेंगे, अपनी आवाज़ देना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो देखो मैं सलमान खान लिए देना चाहूँगा, सलमान खान सर लिए तो वड्डा लेवल है ना. भाई आपका क्या? मैं अक्षय कुमार. अक्षय कुमार जी का भी एक गाना आया फिलहाल जो काफ़ी अच्छा ट्रेंड रहा उसको. I mean, it's really nice, you know, just to have an opportunity to work with him is a blessing, you know, because main to 1980 se 90 se movie mein dekhta aa raha hu, you know, since we were kids, so that'll be definitely a great honor. Aur actually Akshay Virji ne support bhi bahut kiya is cheez ko, Punjabi ko actually bahut support kiya hai, hip hop too, you know, hip hop ko lana ye wo sab, so definitely, you know, most definitely. Paji, apne aapke naam ke aage DJ lagta hai, to DJ means ke iska shauk kab se chala aur kya zaruri samjha aapne ke yes DJ Sirtaj karna chahiye usko? I'm glad actually you asked me that. I first started as a DJ back in 2003 in high school, ke middle school high school mein transition mein tha, and I started DJing because I used to go to parties aur jab koi DJ koi गलत गाना लगा दे तो पूरी पार्टी हट जाती थी, यू नो, डांस फ्लोर. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई, यू नो. तो फिर मैंने इक्विपमेंट वगैरह लिया जो भी किया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स. उसके बाद फिर मेरे पता लगा कि मैं म्यूजिक में भी कुछ कर सकता हूँ, देन आई चेंज माय मेजर टू म्यूजिक. फिर स्टूडियो खोला, देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड डेवलप द साउंड, एंड बाय द टाइम आई डिड ऑल दैट देन आई मेट विद सांधू एंड
उसके बाद देख लो आपके सामने बैठे बहुत बहुत अच्छे वोकल्स हैं भाजी के, है ना। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम काम कर रहे थे तो भाजी बोलते यार पक्की गल है चंगे यार थे, मैं एक काम करो तुम ट्राई तो करो, जिंदगी से ट्राई करना बहुत जरूरी है ना। ट्राई की उस तो बाद वोकल्स जड़े कट के आए आ, फिर वो यू नो सारे फिर तारीफ करते हैं ना, इवन टी सीरीज भी तारीफ कर रही थी, हाँ बढ़िया वोकल्स बढ़िया है ना। भाजी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि बड़े हुए? हाँ यस यस बड़े हुए। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस पर वही है कि आपको पता, जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि कोई ठग लेता है या कुछ ऐसे, सेम थिंग, दैट्स द ओनली बैड एक्सपीरियंस। मतलब आपको ठगा है, किसी ने ठगा? बट यू नो मैं ये सारी गलत घुमाओगे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन I definitely learned from those experiences. experience ये है कि एक तो time wasted, you know, because मैं तो रहता तो US में हूँ ना, तो यहाँ traveling करना आना दो तीन बार एक project के लिए is a big deal, you know. दूसरा of course the monies में क्या है कि जो आप investment कर रहे हो, और तीसरा जो है कि even the product जब finish हो जाए उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका, वो तो that's the biggest you know downfall. But like I said, कोई भी bad experience ऐसा होता है उसको we take it as a learning experience and not to do it again. भाजी इस वक्त जो जनता आपको देख रही है क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से, दोनों की ओर से? मैं जनता को यही कहूँगा कि भाई लगे रहो, जड़ा जड़ा काम कर रहे हो और never give up. बहुत मतलब hard work करोगे तो फिर वो चीजें आती हैं, फिर मिलती आएगी वापस. And I would like to say thank you so much for tuning in and taking your time, little time out, हमें देखने के लिए, बिल्कुल, thank you so much. And I appreciate that, you know. Thank you.